गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैथ्स क्लासेस बाय रंजीत कुमार। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, यह आपका पहला चैप्टर है। हम जानते हैं कि किसी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। ये अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9। किसी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़ इत्यादि स्थान लिख लेते हैं। इन स्थानों की तालिका बना करके हम किसी भी संख्या को सुविधाजनक पूर्वक से लिख सकते हैं। यहाँ एक उदाहरण है, संख्याओं को शब्दों में लिखिए, है ना। यहाँ जो पहला आपका एग्जाम्पल में दिया है वह है 6,14,27,29,000, है ना। इसका दूसरा नंबर है जो वो है आपका 72,28,92,514। इसके बाद तीसरा नंबर है, इसके बाद आप देखते हैं जो तीसरा नंबर है आपका वह है 5,89,41,60,723। ठीक है, तो इस तरह से हम एक नीचे एक इसको बनाने के लिए, इसको समझने के लिए एक तालिका हम बना करके इसको समझेंगे। ये तालिका नीचे बनाई हुई है हल में जो हम लोग देखेंगे, है ना। तो वो तालिका आपका नीचे है, ध्यान देंगे। ये तालिका इस तरह से है आपका, और अब है इधर, इधर देखेंगे तो ये इकाई से शुरू है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब। ठीक है, अब हम लोग जो संख्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे सबसे लास्ट में 9 था, 9 से शुरू करेंगे, फिर 2, फिर 0, फिर 7, 8, 4, 1, 6, ऐसे से बनाएंगे। उसी तरह से इसमें भी देखेंगे तो ये नीचे वाला भी उसी तरह से भरा है, है ना। यानी इस तरह से हम अपना कार्य पूरा कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हमें संख्या प्राप्त होगी वह है 6,14,27,029। उसके बाद दो नंबर आपका आएगा 72,38,092,514। इसके बाद 5,89,41,60,723। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो यह है, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। यह आपका 7,04,05,009। इसके बाद है 14,08,04,116। इसके बाद है 8,80,000। इसके बाद आपका 11,23,01,923। इसके लिए भी हम टेबल बनाएंगे। इस टेबल को भी हम इकाई से शुरू करेंगे, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, है ना। इसमें भी हम लास्ट वाली संख्या से शुरू करेंगे। यहाँ सबसे लास्ट वाली संख्या 9 थी, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। 9 के बाद हम देखते हैं दहाई पे कोई अंक नहीं है तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे सैकड़ा में देखते हैं तो सैकड़ा में कोई जगह कोई संख्या नहीं है, इसलिए सैकड़ा में भी 0 आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आपका हजार में 5 है तो 5 लिख दिया। फिर 10,000 में कोई संख्या नहीं थी तो 0 कर दिया। उसके बाद लाख में 4 आ गया। फिर 10,00,000 में कोई संख्या नहीं थी तो 0 लिख दिया, इससे से 7 हो गया, 7 लिख दिया, इससे सब बना लेंगे। इसके बाद एक लोकल वैल्यू समझेंगे हम लोग। दी गई संख्या में अंकों के जातीय मान, लोकल वैल्यू, किसी भी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान होता है, चाहे वो संख्या किसी स्थान पर क्यों ना हो। जैसे आपका 63,578 में 3 का जातीय मान 3 है और 6 का जातीय मान 6 है। यह सब ध्यान देने वाली बात है, इसको लोकल वैल्यू कहते हैं, जातीय मान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन के लिहाज से यह इम्पोर्टेंट है। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और
जो भी आपको मैंने क्वेश्चन पूछना है उसको कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, है ना। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे रिलेटेड कुछ जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, शुभ रात्रि।